सो गाइस यार, स्वागत करता हूँ मैं अपने न्यू वीडियो में। सो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं काफ़ी ख़तरनाक टॉय का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा टॉय है। तो ये रहा वो टॉय जो कि मिराना का वॉरियर दिया स्टंट कार है, जो कि काफ़ी महंगा भी आता है, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। इतना एक्टिव और फास्ट कार मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और चैनल में अनबॉक्स भी नहीं किया था, लेकिन ये मेरा पहला कार है जो कि इस तरह का है। और बहुत ज़्यादा इसमें फीचर वगैरह दिया हुआ है, मल्टी मोड्स वगैरह, और इसका रिमोट में भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, आउटडोर जाएंगे, वहाँ पे टेस्टिंग करके मैं आपको बताऊँगा कि लेना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ कि जिस तरह मैंने अभी इसे यूज़ किया है, यार जितना पैसा लिया उतना ये उतने लायक है। बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, क्योंकि इसमें सब व्हील जो दिया हुआ है वो सॉफ्ट सॉफ्ट रबर का है और काफ़ी बढ़िया मटेरियल से इसे बनाया गया है। तो मैं इसे फटाक से अनबॉक्स कर देता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये फ्लिपकार्ट में 1600 के अराउंड देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो चलिए फटाक से अनबॉक्स करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, इसमें अलग अलग कलर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेड है, यहाँ पर ग्रेइश वाइट कलर का है और यहाँ पे ब्लैक कलर का है। तो चलिए अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइस यार, आ चुके हैं हम लोग इसे अनबॉक्स करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, इसका ब्रांड है मिराना और ये वॉरियर द स्टंट कार लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका एक इमेज दिया हुआ है जो कि सेम एकदम डिटो इसी तरह होने वाला है हमारा कार। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल, 30 मिनट प्ले टाइम, USB रिचार्जेबल और फंक्शनिस्टिक डिज़ाइन, फोर एज फोर एंड एवव, मतलब 4 साल से प्लस के लिए है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। वही सेम ब्रांडिंग दिया हुआ है, मल्टी स्टंट मोड दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, विलीज दिया है, ड्रिफ्ट्स दिया है, 360 लूप दिया है और यहाँ पे ऑटो स्टंट मोड दिया हुआ है। तो मैं सब कुछ करके आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी ये आप लोग देख सकते हो किस तरह से पैकेजिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है 360 स्पिन। तो मैं इसे फटाक से खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं निकालता हूँ आराम से, थोड़ा सा टाइटली ये पैक है बट कोई नहीं, धीरे धीरे खोल लेंगे हम लोग। तो मैं इसे निकालता हूँ बाहर, काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये। तो कुछ इस तरह से ये रहा हमारा बॉक्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 360 स्पिन और यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से खोल लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखो बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखने में मिल जाता है ये केबल, जो कि टाइप A2 माइक्रो USB केबल दिया हुआ है और काफ़ी लंबा भी है और हैवी भी है, और थोड़ा सा डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आ गया क्योंकि बढ़िया सा दिया हुआ है, क्वालिटी मस्त है इसका। तो मैं इसे रखता हूँ साइड में। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये हमारा कार, तो इस कार को मैं रखता हूँ थोड़ा साइड में। और यहाँ पर देखने को मिल जाता है 2 बैटरी, जो कि एवरीडे का है, और एक इसके अंदर में स्क्रू दिया हुआ है, मैं आपको बता दूँगा ये स्क्रू कहाँ पर लगेगा। तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। और ये रहा हमारा रिमोट, इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कितना ख़तरनाक रिमोट है। यहाँ पे 2AA साइज़ की बैटरी लग जाती है, जो कि ये वाला दिया हुआ है इसके साथ में, और इसमें जो स्क्रू दिया हुआ है वो लग जाएगा कुछ इस तरह से बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे, ताकि ये खुले ना, क्योंकि ये थोड़ा ढीला है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है, यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है जो हॉल देख रहे हो आप लोग, इससे आगे पीछे हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, और इससे ऑटो स्टंट करेगा, सब कुछ ये खुद करेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। और ये लाइट के लिए बटन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लाइट जलेगा ये कार में। और देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। तो यहाँ पे बस एक मैनुअल दिया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसे रखता हूँ साइड में, इस बॉक्स को भी करता हूँ साइड, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कार को। तो मैं इससे पर्दा हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये रहा हमारा कार, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिख रहा है यार, आप लोग देखो। और ये व्हील देखो आप लोग, ये पूरा फुल रबर का व्हील दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा, आप लोग देखना सिर्फ किस तरह से, यहाँ तक कि ये वाला भी सॉफ्ट दिया हुआ है और ये भी रबर का है, आप लोग देखो ठीक है, कुछ इस तरह से घूमता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है वॉरियर, और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक देखने में लगता है ये कार। और ऐसा नहीं कि एक व्हील घुमाने से दोनों घूमेगा, और ये पूरा ख़तरनाक चलेगा। और यहाँ पर एक DC 5 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो कि माइक्रो USB लग जाता है ये वाला कुछ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जो कि लाइट इंडिकेट करता है स्विच में, इसे ऑन ऑफ़ करने के बाद, और यहाँ पे लाइट वगैरह शो करेगा। काफ़ी ज़्यादा मस्त ये कार देखने में लग रहा है, और मैं सच्ची बताऊँ तो इसका स्ट्रॉन्गनेस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा मस्त है, लेकिन प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो मैं इसको रखता हूँ साइड में, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ 2AA साइज़ की बैटरीज़,
तो ये रही बैटरी, तो मेरे पास रिचार्जेबल बैटरी है, वही मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइट शो करने लगता है। मैं नहीं चाहता कि डेस्क पे इसे ऑन करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है, ये नीचे गिर ही जाएगा। तो फिर भी मैं एक बार ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और बॉक्स कंटेंट बस इतना ही था, तो मैं इसको रखता हूँ इधर साइड में और मैं एक बार ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक में चला के। काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है यार। तो यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पर एक लाइट जलता है और इधर भी यहाँ पर लाइट शो करेंगे। तो मैं इसको रखता हूँ नीचे और सॉरी सॉरी ये ऑन नहीं था। पूरा डैक्स हिला दे रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जाता हूँ आउटडोर में और फटाक से मैं इसको चला के दिखाऊंगा। आपको अगर ये टॉय पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोग चलते हैं आउटडोर में। सो गाइस यार, आ चुके हैं हम लोग इसका टेस्टिंग करने के लिए। आप लोग देख सकते हो ये वॉरियर दी स्टंट कार का। तो हम लोग इसे रखते हैं नीचे, पहले मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चलता है। यहाँ पे मैं पहले ऑटोमेटिक में चलाता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो रिमोट में मैं कुछ नहीं कर रहा, और अभी मैं इसको भेजता हूँ आगे, कुछ इस तरह से चल जाता है। पीछे कितना फास्ट जा रहा है, आगे भी सेम। और यहाँ पर मैं आपको इसे घुमा के दिखाता हूँ, कहीं भी ईजिली आप घुमा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। अगर ये आपको परचेस करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हो। ये नीचे गिर चुका है, मैं इसे उठा लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ रख दिया, मैं फिर से चलाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। ये फिर से पलट गया था, लेकिन सीधा हो जा रहा है। और आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये खड़ा हो जा रहा है। तो यार, अगर ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से ये अभी तक का सबसे बेस्ट कार मुझे लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है और प्राइस भी सही है यार। 1500-1600 ये कार के लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।